बहुत फेमस चाय वाला है, बहुत फेमस, आगे जाके वो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसमें सो जाएंगे भाई। ये इतना बड़ा बैग ये अपने कंधे में लेके आ रहा है यार। स्विमिंग पूल इधर है, अभी कूदो, अभी कूद। नो गाइस, सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग, एंड टुडे फाइनली ये व्लॉग आ रहा है शायद। सो ओके गाइस, ये शायद न्यू ईयर के बाद आएगा, तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड वी आर रेडी टू गो, वी आर गोइंग टू उदयपुर राजस्थान, एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी हम लोग दाहोद में, दाहोद से हमारी ट्रेन है, ट्रेन में अभी निकल रहे हैं, निकल यहाँ से डायरेक्ट पहुँचेंगे उदयपुर, नहीं उदयपुर से हमारा प्लान है कि डायरेक्ट हम लोग जाएंगे कुंभलगढ़ उदयपुर, और वहाँ पे न्यू ईयर वहाँ पे बनाने वाले हैं। हम लोग लाइक मेन सिटी जाने वाले थे, मेन सिटी में हमारा ड्रॉप था लास्ट, यहाँ पे हमारी ट्रेन थी बांद्रा टू उदयपुर, तो हम लोग मेन सिटी में यहाँ पे जो 5-10 किलोमीटर उसके पहले उतर गए। क्या नाम था, क्या नाम था भाई, उदयपुर नहीं नहीं रेलवे स्टेशन का नाम राणा प्रताप नगर, ओके ओके, राइट राणा प्रताप नगर, तो हम लोग राइट उसने बोला था ना उदयपुर का पहला स्टेशन यही था, लेकिन वो ट्रैफिक के कारण मतलब उन्होंने वो वाला स्टेशन कर दिया है। उदयपुर मेन सिटी का स्टेशन है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर है और आगे, वो मेन सिटी से बाहर है, तो हमने सोचा कि यार सुन लेते हैं यहाँ के लोकल्स की, सुन के हम लोग उतरे, पर यहाँ से जा रहे कुंभलगढ़, और अगर कुंभलगढ़ का नहीं मिला हमें, गाड़ी नहीं मिली, तो फिर तो भाई यही रह जाएंगे। तो गाइस हम लोग अभी वहाँ जा रहे थे, लेकिन हमारे अंदर की बहुत ज़्यादा गंदी गट फीलिंग आ रही थी कि हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो फिर से चढ़ गए, फिर अभी आगे देखते हैं, फिर से चढ़ गए, कोई भी डब्बे में चढ़ गए अभी तक, नो ब्रो, यस गो विद द गट फीलिंग्स, और देखते हैं वहाँ मेन सिटी में जाते हुए और वहाँ से ढूंढ लेंगे। गाइस फाइनली वी आर हियर उदयपुर सिटी, और हम लोग यहाँ से अभी उबर बुक करा लिए, उबर डायरेक्ट ही निकल रहे कुंभलगढ़ के लिए, अभी कुछ काम है ही नहीं है उदयपुर में, तब डायरेक्ट अभी बज रहे हैं 3, पहुँच जाएंगे 5-5:30 बजे कुंभलगढ़, फिर डायरेक्ट ही कुंभलगढ़ में मिलता। तो कैसा लग रहा है उदयपुर आके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया यार, क्यों अजीब लग रहा है, बता दिया गुरु, बता दिया वाइबे, और इसको तो देखो भाई अलग, ये अलग, अरे हाँ यार, हाँ हाँ वो लेना भूल गया गाइस, वो भाई ये इतना बड़ा बैग ये अपने कंधे में लेके आया था यार, क्या कहना चाहता है भाई, वाह, ऑनलाइन करता है वो, अरे यार देखो किसी भी आपको ऑनलाइन करना तो देख लो आप, ये शक्ल याद रखना, और इसका नंबर आपको मैं दे दूंगा, जब भी मेरे से बात कर लेना, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इधर। सो हेलो गाइस, चाय पी लो, महानस्ती, टपरी की चाय का मजा ही कुछ, अरे यार वो बात तो सही है तेरी, ये अलग इंसान, मजा आ गया गुरु, मोदी आगे जाके वो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम लोग फाइनली रिजॉर्ट में आ गए, मैंने स्टार्टिंग का बाहर का नहीं बताया क्योंकि अभी है ना बाहर अंधेरा है, लाइक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। देखो आपको बताता हूँ, अभी आप पता नहीं जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो हम खड़े हैं इसके नीचे, ये जो एंट्री गेट था, उसके बाद वो वहाँ पे ऑफिस वगैरह था, वहाँ ऊपर तक देख रहे हो, वो तक भी यही रिजॉर्ट का है। यस यस यस, इट्स आर रूम फॉर 2 डेज नाउ, नहीं 2 डेज नहीं, आज हमारा है डिलेक्स रूम, एंड कल है सुपर डिलेक्स रूम, सेम एज हम लोग ने जब
डलहौजी गए थे, डलहौजी में भी सेम ऐसा ही हुआ था कि एक दिन हमारा डिलेक्स रूम था, फिर सुपर डिलेक्स रूम था। लेट्स गो, लेट्स रॉकेट। तो गाइस बस अभी थोड़ा सा अच्छा संभाल लिया, ये एक रूम है हमारा जिसमें भी हमने यहाँ पे जूते रख दिए, ये सब कंप्लीट कर दिया। अब जाते हैं पास वाले रूम में, मेरा जो हमारे जो दूसरे सब बंदे हुए हैं। क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, बता कॉफी बता, किसी बनी है कॉफी बता। वाओ भाई बड़ी नहीं, इतनी 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 कितनी ठंडी, ओ माय गॉड। तुम्हारा शेफ कौन है अज्जी? तू शेफ है यार, देखना यार मेरे में बना दे। अबे हमने हमने क्या किया बताया तुझे, ये जो थी ना वो बुरान ने इसको हाथ में लिया, लगा चॉकलेट है। उसने खोली इसको, उसको खोला और पूरे रूम में यहाँ पे तेज तेज हो गया। ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारी। लाइक हमने अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है रिसोर्ट। पैसा वसूल, अभी थोड़ी रात हो गई, अभी दिख नहीं रहा है इतना। नसीब भाई हमें स्विमिंग पूल भी है, वो भी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होके जाते हैं, 12 घंटे का ट्रैवलिंग करके आते हैं, क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल भाई, फ्रेश होएंगे, इसके बाद उसे नली को अपन डालेंगे स्विमिंग। अरे नहीं रे, मैंने इनको बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट दी है स्विमिंग पूल की, क्योंकि मुझे सुनो मैंने क्या बोला कि अगर एक भी कोई स्विमिंग पूल में होगा तो मैं पक्का कुछ नहीं। यार बात तो ऐसी हुई, एक बात की अपनी बात हुई तो तूने गाड़ी में बोला था जितनी भी ठंडी होगी मैं कूदूं। देख देख 17-18 डिग्री आग, कूदने के लिए मैं तैयार हूँ अभी भी, लेकिन कोई होगा तो चल चल ट्राई मारेंगे। ओके गाइस अब जाते हैं, तैयार होते हैं भाई, फ्रेश व्रेश होते हैं, सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं। और हम लोग तो अभी क्या कर रहे हैं, लाइक सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट का टूर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे स्विमिंग पूल है। रियली गाइस मैं अभी तक स्विमिंग पूल नहीं मिला जिसके लिए खास हमने स्पेशल ये रिजॉर्ट करवाया है। तो गाइस क्या क्या बोलना चाहता है, पहले स्विमिंग पूल में कूदना है भाई, पहले इसको देखो तो ढूंढो, पहले स्विमिंग पूल ढूंढो और इसको देखो एस्थेटिक का 40। ओ माय गॉड, अभी स्विमिंग पूल है गाइस। गाइस हम सिर्फ बात ही कर रहे थे अभी, अरे यार दिख नहीं रहा, लेकिन ये देख मैं रात कैसी जंगल नहीं। ओके स्विमिंग पूल इधर है, अभी कूदो, अभी कूद। नो गाइस नो, देखो एक मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अगर अगर ये लोग मुझे पहले बोलते ना तो मैं कूद जाता। नहीं भाई अभी देख तैयार व्यार हो क्या है और फिर बोलते कि कूद जा। नो नो ब्रो, नो ब्रो, लेकिन नाइस 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 प्रॉपर्टी है। देखो ये हमारी प्रॉपर्टी पूरी, आपको सुबह ही बताऊंगा, सुबह यहाँ पे क्लियर दिखेगा। तो वॉकिंग डिस्टेंस में हम लोग आए यहाँ पे, एक है नेचर्स रेस्टोरेंट, शायद नेचर रेस्टोरेंट या रूफ टॉप रेस्टोरेंट, मैं आपको बाहर से बता दूंगा। गाइस सी द प्रॉपर्टी, वेरी वेल मेंटेन एंड नाइस, लाइक रूफ टॉप है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो आप लोग, वो नीचे बैठने का भी है, राजस्थानी स्टाइल में है। और हम लोग फिलहाल तो अभी यहाँ बैठे हैं, खाली होगा तो हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे। और बाहर का व्यू देखो, बहुत प्यारा सीन है यहाँ पे। कल हमारा प्लान है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे, हम घूमेंगे और फिर से रात को हमारा यही जो रिसोर्ट हमने बुक किया है, अभी रात को बता नहीं सकता आपको बिकॉज ऑफ अभी लाइट्स नहीं है इतनी ज़्यादा, तो कल सुबह आपको वो बताऊँगा। और सेम और कल सुबह जिसकी एक्साइटमेंट है हमारी सबसे ज़्यादा वो करेंगे। बोल भाई क्या बोलना चाहता है इस बात पे? देख अभी रात को कूद जा, 10,000 रुपये कैश देता हूं। देख देख मैं रात को कूदने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इन्होंने कब बुलाया, जब मैं नहा धो के तैयार हो गया आया, जब रेस्टोरेंट के लिए, हाँ उसके मेरे बोलते हैं तो मैं कर लेता। 10,000 रुपये का सवाल है भाई, ऐसा थोड़ी दे। देख मुझे पता है ये लोग देने तो वाले नहीं। फाइनली जो सीट पे हमारी बैठने की उम्मीद थी आ गए यहाँ पे, और फुल राजस्थानी स्टाइल, ये भी हालांकि ये भी राजस्थानी स्टाइल नहीं है, थोड़ा हट साइड हट वो है, लेकिन वहाँ पे अभी क्या वो छोटे वाले हम बैठ नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे टेबल पे हम लोग बैठे हैं। अंधेरा ही अंधेरा, पानी पानी बहुत। Oh my god!